अनिल सर गुड मॉर्निंग. अभी कुछ देर पहले अजय बग्गा सर से बात हो रही थी. उन्होंने एक एक चीज तो अच्छी कही कि हमारे मार्केट्स को या हमारे दर्शकों को निवेशकों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. ये जो यूक्रेन और रशिया की समस्या है लेकिन ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट है वो यहां परेशान दिख रहे हैं तो हमारे मार्केट रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं. सर आपको क्या लगता है आज रेंज क्या रहेगी क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग नेहा. देखिए संकेत कमजोरी के हैं सब तरफ से चाहे वो ये रशिया यूक्रेन का मामला हो या फिर अमेरिकी बाजारों का. हमारे यहाँ के डेटा भी अगर आप देखें तो थोड़ी तरफ कमजोरी की तरफ ही इशारा करते हुए दिख रहे हैं. भले लंबे समय बाद कैश मार्केट में छोटा ही सही लेकिन खरीदारी का आंकड़ा है लेकिन उसके सामने वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स वापस FIs ने बेचे ही है. तो ऐसा कोई रिलीफ वाली बात है नहीं. घरेलू फंड ने लंबे समय बाद 700 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा दिखाया है तो सेल ऑन राइज का मार्केट बनता हुआ दिख रहा है. तो ऊपरी स्तरों पर आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना तो रहेगी. ऐसे में मुझे लगता है कि गैप से खुलने के बाद पहला सपोर्ट रेंज जो मिलेगा बाजार को वो मिलेगा 17,125-17,200 की रेंज में. इसके नीचे आने पर ही समस्या थोड़ी सी बढ़ेगी. अदरवाइज इस रेंज में बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा. यहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है. 17,375 अब रुकावट का काम करेगी. आज के लिए इसके ऊपर निकलने पर ही हल्की फुल्की मजबूती के संकेत आते दिखेंगे जिसकी संभावना चूंकि कम नजर आती है. आप 150-200 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत दिखा रहे हैं. बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,500 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे लगभग होल्ड किया है वहां पर. आज उसके नीचे हम खुलेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी कमजोरी तो होनी है. 38,000 तुरंत सपोर्ट है और अगर उसके नीचे गए तो 37,700-37,850 सपोर्ट रेंज के तौर पर है और ऊपरी स्तरों पर 38,725-38,850 ये ऊपरी तरफ रुकावट के लेवल है. तो बेसिकली बाजार में जो एक सबसे बड़ी चेंज दिखाई वो ये है कि बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज वाला मार्केट बनने की कोशिश कर रहा है. तो अब मेरे ख्याल से इस हफ्ते काफी तक बाजार के ट्रेंड का क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा लेकिन फिलहाल जो हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत है वो डेफिनेटली कमजोरी के. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बताने के लिए कि कौन सी रेंज में निफ्टी बैंक